ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। नालो इश्क मीठा थोड़ी, नालो इश्क मीठा। 11 मुल्कों की पुलिस इंतजार कर रही थी डॉन का, लेकिन यहाँ तो पूरा मुल्क इंतजार में बैठा था यो हनी सिंह को अपने सामने देखने का, उनके गाने पर झूमने का, खूब मस्ती करने का। यो हनी सिंह का गाना है 24 जुलाई को गुड़ नाला इश्क मिठा। बता दे कि यो हनी सिंह का ये गाना है गुड़ नाल इश्क मिठा, जो कि पुराना पंजाबी सॉन्ग है, लेकिन नए फ्यूजन के साथ लेकर आए हैं यो हनी सिंह दर्शकों के सामने सॉन्ग को, जिसमें पॉप म्यूजिक भी सुनने को मिला है, हनी सिंह का रैप भी सुनने को मिला है। ये सॉन्ग सुनकर हो चुका है पूरा वर्ल्ड इस वक्त पागल। अब पागल की बात कर रहे हैं तो पागल शब्द से हमें याद आता है बादशाह का सॉन्ग पागल। भाई ये भी सॉन्ग तो रिलीज हुआ था जुलाई के महीने में। जी हाँ, इस सॉन्ग को रिलीज किया था बादशाह ने 10 जुलाई को। ये सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन था, नो डाउट। तभी तो 24 घंटे के अंदर इस गाने ने पा लिए थे 7.5 मिलियन, और ये व्यूज रिकॉर्ड तोड़ व्यूज थे यूट्यूब पर, जो कि इससे पहले कोई भी करता हुआ सामने नहीं आया था, ना ही अरीना ग्रांडे, ना ही टेलर स्विफ्ट और ना ही कोई और। लेकिन हाँ, याद दिला दे कि कोरिया का एक ब्रांड जरूर है जो कि रिकॉर्ड बना चुका था इस तरह का, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी अब बादशाह तोड़ चुके हैं। लेकिन भाई अब इस पे सवाल तो ये उठता है कि 24 घंटे के अंदर इतना जब गाना छा गया है तो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं पहुंचा? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर सभी के मन में घूम रहा है। तो बता दें आप सभी को, इस क्वेश्चन मार्क को हटा दे कि आखिर क्यों नहीं आया है बादशाह का ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पर, जिसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बादशाह ने अपने इस गाने पर जो व्यूज रखे हैं वो पेड व्यूज है। जी हाँ, इन व्यूज को उन्होंने खरीदा है, और इस बात का पता चलता है उनकी वीडियो पर उनके लाइक्स को देखकर। और तभी तो यूट्यूब नहीं लेकर आया बादशाह के सॉन्ग पर ट्रेंडिंग पर। अब ऐसे में हनी सिंह का सॉन्ग बिना ज्यादा व्यूज पाए हुए भी पहुंच गया था ट्रेंडिंग नंबर 1 पर। बता दें आप सभी को इसी के साथ कुछ और खास बातें भी कि क्यों यहाँ पर बादशाह के पागल सॉन्ग पर बन रहा है इस वक्त खूब तमाशा, और क्यों नहीं आया है ये ट्रेंडिंग पर। यूट्यूब पर अक्सर ही एड्स आया करती हैं हर एक वीडियो पर, एड्स के साथ प्रमोशन चलता है कुछ नए सॉन्ग्स का, और ऐसा ही प्रमोशन चाहते थे बादशाह भी। उन्होंने एड्स के जरिए खूब प्रमोशन पाया। वेल दोस्तों, बता दें कि बादशाह एक ऐसे सेलिब्रिटी नहीं होंगे जिन्होंने इस तरह की हरकत की हो पॉपुलैरिटी में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ये भी देखने को मिला है कि अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए उन्होंने एड के साथ भी काफी छेड़छाड़ की है, और इसके जरिए प्रमोशन करवाने का बहुत ही आसान सा तरीका भी उन्होंने निकाला है। ऐसे बाकी सभी सेलिब्रिटीज भी करते हैं और उसके बावजूद भी आ जाते हैं ट्रेंडिंग पर, लेकिन बादशाह क्यों नहीं आ पाए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये बादशाह का म्यूजिक ओरिजिनल नहीं है। ये कहा जा रहा है साल 2017 में आया कमाल का एक सॉन्ग जिसका नाम था ट्रबल। कमाल राजा बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने इन तरह के सॉन्ग को लेकर, जिसमें बहुत सारा पॉप म्यूजिक होता है, रैप होता है, और बेहतरीन होते हैं लिरिक्स। इस लिरिक्स को कॉपी करते हुए नजर आए हैं बादशाह अपने सॉन्ग पागल में, तो वहीं उन्होंने म्यूजिक को भी कॉपी किया है, और एक ओरिजिनल म्यूजिक ना होने की वजह से, लिरिक्स ना होने की वजह से ही यूट्यूब ने उन्हें ट्रेंडिंग पर आने का एक भी मौका नहीं दिया, और इस वजह से अपने पागल सॉन्ग के चक्कर में इस वक्त बौखला चुके हैं बादशाह, और यहाँ हनी सिंह को लेकर उनकी नफरतें और भी ज्यादा अब बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, एक वक्त पर जहाँ ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इन दोनों के बीच दरार आ गई, और अब इनका इस हद तक कॉम्पिटिशन आगे बढ़ चुका है कि दोनों एक दूसरे से खूब नफरतें करने लगे हैं। वेल दोस्तों, दोनों सॉन्ग काफी बेहतरीन हैं, दर्शकों के बीच अच्छा बॉस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।